दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। इस साल IQ ने 3 फोन्स लॉन्च किए हैं और उनमें से जो सबसे सस्ता वाला फ़ोन है वो है IQ Z3। क्या ये फ़ोन अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से स्टैंड करता है या फिर नहीं, क्या आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए या फिर नहीं, वो तो बाद की चीज़ें हैं। लेकिन इस फ़ोन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ज़रूर जानना चाहिए अगर आप इस फ़ोन के बारे में जानना चाहते हो या फिर आप इस फ़ोन को लेने के लिए सोच रहे हो। क्योंकि स्पेसिफिकेशंस तो सभी बताते हैं लेकिन डिटेल में हर चीज़ें हर कोई नहीं बताता है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह से रोज अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप प्राइसिंग देखोगे इस फोन की तो 6GB 128GB वेरिएंट जो है IQ Z3 का वो आपको 19,990 रुपये में मिलेगा Amazon पर। अगर आपको सेल वगैरह नहीं रहती है तो हो सकता है थोड़ा सा प्राइस डिफरेंट हो जाए, और अगर आप सेल में देखते हो तो थोड़ा सा सस्ता भी हो सकता है आपको मिल जाए अगर ऑफर वगैरह रहते हैं IQ Z3 पर। तो बाकी अगर आप लुक्स वगैरह की बात करोगे तो लुक्स वगैरह के मामले में फ़ोन एवरेज है, ज़्यादा ना ही अच्छा है ना ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन लुक्स वगैरह अच्छी लगी मुझे देखने में। इसकी जो कलर वेरियंट आपको मिलते हैं वो भी थोड़े से अच्छे आपको मिल जाते हैं, तो आप देख लीजिए कि आपको कौन सा कलर वेरिएंट इस फोन का लगता है अच्छा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो मिलता है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है और काफ़ी फास्ट काम करता है, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर अगर आप थिकनेस देखोगे इस फोन की तो वो है 8.5 mm और 185.5 ग्राम इसका वेट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ना ही ज़्यादा मोटा फ़ोन है और ना ही ज़्यादा भारी फ़ोन है। प्राइसिंग के हिसाब से देखोगे तो बढ़िया फ़ोन है, ख़राब नहीं है, ना ही मैं इसको ख़राब कहूँगा। तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल लुक्स देखोगे इस फ़ोन का तो ठीक है, अच्छा है, कोई भी ख़राब नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ इस फ़ोन की तो स्क्रीन आपको IPS LCD मिलती है 6.58 inches की। इसमें आपको HDR10 मिलता है और जो रिफ्रेश रेट मिलता है वो मिलता है 120Hz का, 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी मिलता है इसमें। तो अगर आप डिस्प्ले के मामले में इस फ़ोन को देखोगे तो डिस्प्ले थोड़ा सा प्राइस के हिसाब से एमोलेड होता तो और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन IPS LCD है, उतना भी ख़राब आप नहीं कहोगे, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। बाकी अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो IPS LCD भी ठीक है, लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर एमोलेड होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बाकी रिफ्रेश रेट वगैरह काफ़ी कमाल का है, काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी अच्छे से आपको स्मूदर एक्सपीरियंस मिल जाएगा इस फ़ोन में। बाकी अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो 4400 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 55W का चार्जर मिलता है जो कि आपको फुल डे यूजेस दे देगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी चाहिए, 20,000 रुपये के अंदर आपको 5G फ़ोन ये मिल रहा है IQ की तरफ से, तो आप थोड़ा सा इसको देख सकते हो क्योंकि आपको जो इसमें बैंड्स मिलते हैं 5G के वो दो बैंड्स मिलते हैं N78 और N77। LPDDR4X का आपको इसमें रैम मिलता है और UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। अगर आप इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो आपको थोड़ा सा बढ़िया रैम मिलना चाहिए था, लेकिन इस फ़ोन में जो रैम लगाई गई है वो पुरानी वाली लगाई है और उतना आपको अच्छी स्पीड नहीं दे देगा जितना कि आपको LPDDR5 वाला रैम देता है और UFS 3.1 वगैरह स्टोरेज जो जिसमें आपको स्पीड मिलती है उतनी स्पीड तो नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, इस फोन के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्पीड आपको मिल जाएगी, स्मूदर एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लेकिन 20,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो नहीं है। बाकी अब बात करते हैं इस फ़ोन के फीचर्स की जिसको आपको ज़रूर जानना चाहिए। प्रोस कॉन्स तो मैं आपको आगे बता दूंगा क्या क्या है, किस चीज़ में आपको कमियाँ मिलती हैं और किस चीज़ में अच्छाइयाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ फीचर्स की। इसमें आपको जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है वो भी 5 लेयर की मिलती है, तो इससे अगर आप गेमिंग करते हो, ज़्यादा टाइम तक करते हो, ज़्यादा ओवरहीटिंग जैसी इश्यूज आपको नहीं मिलेंगे जो कि आपको Poco X3 Pro में मिलती है ज़्यादा हीटिंग इश्यूज। खैर वो डिपेंड करता है कि आप कैसा गेम खेलते हो, किस कितना टाइम तक खेलते हो, वो भी डिपेंड करता है। मतलब अगर आप नॉर्मल फ़ोन से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा हीटिंग इश्यूज नहीं मिलेंगे इस फ़ोन में, क्योंकि इसमें आपको 5 लेयर की लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको IQ का एक नया चीज़ आपको देखने को मिलता है, वो भी एक्सटेंडेड रैम जैसी चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि आपको जो वर्चुअल रैम का आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, मतलब अगर आपने 8GB वेरियंट इस फोन के लिया है तो आपको 11GB तक की एक्सटेंडेड रैम मिल जाता है। मतलब अगर आप देखोगे तो वर्चुअल रैम जो आपको मिलती है उससे आपको फास्टर ऐप ओपनिंग में और जो आपको
रैम मैनेजमेंट है उसमें आपको फ़ायदा दे देता है, और जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे हिसाब से किसी भी फ़ोन में नहीं मिलेगा। खैर वो IQ के ही फ़ोन्स में वो अभी तक देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। अगर आप लोगे तो आप पछताओगे नहीं इस फ़ोन को। बाकी यहाँ पर अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें कि आपको GW3 सेंसर मिलता है। मतलब अभी तक GW1 सेंसर वगैरह मिलता था, तो सेंसर वगैरह अच्छा लगाया गया है इसमें जो कैमरा में। और इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है। गायरो EIS का आपको सपोर्ट भी मिल जाता है, तो वीडियो वगैरह आपको शूटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। 16 मेगापिक्सल का इसमें आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। यानी कि अगर मैं कैमरा की ओवरऑल बात करूं कि कैसा कैमरा रहेगा, तो कैमरा आपको एवरेज मिलेगा। अगर आप 20,000 के प्राइस पॉइंट पे देखोगे तो मैं उतना बेस्ट नहीं कहूंगा, एवरेज आपको कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाती है। यहां पर आपको जो UI मिलती है, वो मिलती है वीवो का फन टच OS आपको इसमें मिलता है। तो आप देख सकते हो जो कैमरा आपको मिलेगा उसमें वीवो जैसा ही कुछ आपको थोड़ा सा आपको सिमिलरिटी मिलेगी कैमरा के मामले में। बाकी बेस्ट नहीं कहूँगा कैमरा के मामले में, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस के मामले में ये फ़ोन बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन का 768G, और ये जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो स्मूदर एक्सपीरियंस आपको गेम्स वगैरह में देखने को मिल जाता है इस प्रोसेसर की वजह से। इसमें आपको एंड्रॉयड 11 मिलता ही है, क्योंकि नया फ़ोन है तो एंड्रॉयड 11 मिलेगा ही, लेकिन जो प्रोसेसर है वो काफ़ी कमाल का है। इसमें आपको जो 5G की दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोसेसर है 768G, इसमें आपको mmWave और सब 6G GHz वाला जो आपको रेंज मिलता है, जो आपको बैंड्स वगैरह मिलता है फ्रीक्वेंसी रेंज वाला 5G का जो मिलता है, उसकी वजह से आपको 5G के मामले में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जब भी अगर 5G आता है तो आप यूज़ करते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको वाईफाई 6 जैसा एक्सपीरियंस मिल जाएगा वाईफाई के मामले में। तो ये चीज़ एक नई चीज़ है, और अगर आप ओवरऑल यूजेस देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक कमी मुझे इस फ़ोन में देखने को मिली, वो है सॉफ्टवेयर की, क्योंकि इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो उसमें आपको ब्लॉटवेयर वगैरह मिल जाते हैं, तो आपको वो थोड़ा सा हो सकता है ऑड लगे वो, या फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत वो दे सकता है। जितने भी ब्लॉटवेयर्स हैं आप उसको ईजिली डिलीट कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक थी बात इस फ़ोन की ओवरऑल व्यू की, कैसा है ये फ़ोन, क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहली बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले से। तो डिस्प्ले आप देखोगे तो यार IPS डिस्प्ले है, उतना अच्छा अगर AMOLED होता तो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में थोड़ी सी कमी मिलती है, लेकिन अगर आप प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा फ़ोन। यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा एवरेज मिलता है, तो अगर आप कैमरा सेंट्रिक फ़ोन खोज रहे तो ये डेफिनेटली आपके लिए नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हो, गेमिंग चाहते हो अच्छा खासा, तो डेफिनेटली IQ Z3 आपके लिए बेस्ट फ़ोन रहेगा, वो भी 20,000 के प्राइस पॉइंट पे। तो ये था IQ Z3 का एक ओवरऑल रिव्यू, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।